लेकिन लेक्चर नंबर हमारा 60 होगा और ये हमारी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास है। चैप्टर नंबर हम लोग 11 करेंगे स्टार्ट, 10 का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था वो ख़त्म करके फिर 11 स्टार्ट करेंगे। टेन में कोई क्वेश्चन जितना हम लोगों ने पढ़ा था उसमें कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। रिजर्व रिक्वायरमेंट ये होती है कि बैंक ने अपने पास रिजर्व रेशो रखनी होती है, ठीक है, 70-30। अगर तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हुई तो रिजर्व रेशो कम कर दो, अपने पास 20% रखो, 80% लोन दे दो। और अगर टाइट होएगी मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी तो अपने पास 40% रखो, 50% रखो, 50% लोन दो। ये सेंट्रल बैंक बताता है। एक ये भी होता है, नंबर टू ये भी होता है कि सेंट्रल बैंक कहता है कि मेरे पास जो 10 अरब रिजर्व रखवाना है वो बढ़ा दो, 12-13 अरब कर दो, ये भी अप्लाई होता है, ठीक है जी। 18 MCQs। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन प्राइस मैकेनिज्म टू मैच सप्लाई एंड डिमांड फॉर द गुड द केन्स, इसको यार जरा स्किप कर दो। हाँ, ये केन्स वाले ना जरा स्किप कर देने आप लोगों ने इसमें से। 14 ट्रेजरी बिल को जैसे बॉन्ड होता है ना वैसे ही ट्रेजरी बिल होता है, सेम जैसे बॉन्ड होता है। ट्रेजरी बिल इज नॉट गेटिंग लॉन्ग टर्म लोन्स, बीटा। इसमें पीछे डेल्टा होगा, पीछे क्या है? अल्फा, गेटिंग शॉर्ट टर्म लोन्स। हाँ, ये लॉन्ग टर्म है, इसमें बीटा या डेल्टा दोनों होने चाहिए। टी बिल, टी बिल, टी बिल, नहीं नहीं यार रहने दो, इसको शॉर्ट टर्म ही रखो। हाँ, टी बिल को ना शॉर्ट टर्म रखो, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। ऑनलाइन वाले इसको शॉर्ट टर्म ही रखिएगा, ये अल्फा ही है। ट्रेजरी बिल इकोनॉमिक्स में अल्फा ही रहेगा। हाँ, बॉन्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म में होते हैं, लेकिन ये बस ये अगर बॉन्ड शॉर्ट टर्म का होगा उसे ट्रेजरी बिल कहेंगे, टी बिल कहेंगे उसको। 33 अच्छा, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑपरेटिंग टारगेट ऑफ द सेंट्रल बैंक? नॉन बोरोड रिजर्व द फेडरल फंड द मॉनेटरी बेस एंड ऑफ अबव, एंड ऑफ द अबव। Which of the following is a potential operating target? इसका पीछे आंसर क्या है? डेल्टा। हाँ, सारे सही हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें। फेडरल फंड्स रेट इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, घूम के नाम है ना जरा, इंटरेस्ट रेट को कहते हैं। और कुछ टाइट हो, कॉन्ट्रैक्शनरी हो, और उसके बाद एक इसको और भी कहते हैं नैरो मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब इसी में आएगा। जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जाएगा उसको ये कहेंगे, तो ज़्यादा किया जाएगा, मनी सप्लाई कम की जाएगी। और पूछे वो क्या होते हैं? हाँ, वो क्या होते हैं? वो सिक्योरिटी सेल करना और बेचना। हाँ, सेंट्रल बैंक करता है। अगर मॉनेटरी मनी सप्लाई बढ़ानी हो तो सिक्योरिटी खरीद लेगा, मनी सप्लाई कम करनी हो तो बेच देगा। हाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के मतलब बॉन्ड होते हैं। मॉरल परसुएशन का मतलब ये होता है कि सेंट्रल बैंक मुख्तलिफ लॉबीज के थ्रू ये पैगाम पहुँचाता है कि सूद हराम है, इंटरेस्ट ना लो, ठीक है ना। ये मॉरल परसुएशन टाइप चीज़ होती है, ये कम होता है, पाकिस्तान में नहीं होता, ये पहले पहले होता था, अभी नहीं होता। और पूछे
और कोई क्वेश्चन? बस लें जी, फिर चैप्टर नंबर 10 के लास्ट वाले टॉपिक पे आते हैं। हमारा था क्रेडिट क्रिएशन, यही था ना क्रेडिट क्रिएशन? ठीक है, रिजर्व रेशो की सबको समझ आ गई थी, उसमें तो कोई एतराज नहीं था। टाइप्स ऑफ क्रेडिट्स, ये भी मैंने कहा था पढ़ लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को? टाइप्स ऑफ क्रेडिट में किसी को कोई इशू? क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला वगैरह हो गए थे सब। अब यहां पे है, द थ्योरी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स। ये मैंने पढ़ाया था या खुद पढ़ाना था? चलें, क्रेडिट क्रिएट होता कैसे है, उसके कितने स्टेप्स हैं? आप जो भी चीज बैंक में जमा करवाते हो, बैंक उसको कितने स्टेप्स में तोड़ के आगे लोन देगा? सबसे पहले अ कस्टमर डिपॉजिट मनी इनटू बैंक, पहला स्टेप क्या होगा? कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करवाएगा, अकाउंट ओपन करवाने के बाद वहां पे अपने पैसे जमा करवाएगा। नंबर टू, द बैंक होल्ड्स अ फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज रिजर्व, टिपिकली अराउंड 10% एंड यूज द रेस्ट ऑफ टू मेक लोन। 10% उस रिजर्व का बैंक क्या करेगा? अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी 90% लोन दे देगा। व्हेन द बैंक मेक्स अ लोन, इट क्रेडिट्स अ बोरोअर्स अकाउंट विद द लोन अमाउंट, क्रिएटिंग अ न्यू मनी। तो फिर क्या होगा, जिस बंदे ने लोन लेना है उस पर यह शर्त लागू होती है कि वो क्या करे, जिस बंदे ने लोन लेना है उस पर शर्त लागू होती है कि वो उसी बैंक में अकाउंट ओपन करे, उसी बैंक में। जब 90%, 1,00,000 रुपये आपने जमा करवाया, 10% बैंक ने अपने पास रखा, बाकी 90% जो 90,000 रुपया था वो बैंक ने दूसरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। किसके अकाउंट में डिपॉजिट किया? जिसने लोन लेना था। इसका मतलब बैंक के पास दो डिपॉजिट हो गए, एक डिपॉजिट कितने का हुआ? 1,00,000 का, ठीक है, उसमें 10,000 पड़ा रहा, लेकिन डिपॉजिट तो 1,00,000 का ही हुआ है ना, और दूसरा डिपॉजिट कितने का हुआ? 90,000 का। द बोरोवर यूजेज द न्यू मनी टू मेक परचेजेज, इन्वेस्टमेंट्स और टू रिपे डेट्स, इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्टिमुलेटिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो दूसरा बंदा है जिसके अकाउंट में 90,000 गए, वो 90,000 रुपये में से चीज़ें खरीदेगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। वो 90,000 की भी हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कम पैसों की भी हो सकती है। अगर वो उधार ले ले, रॉ मटेरियल वगैरह उधार ले ले, तो वो ज़्यादा पैसों की भी हो सकती है। एज द बोरोवर स्पेंडिंग सर्कुलेट्स थ्रू द इकोनॉमी, इट क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो फिर क्या होता है, जब वो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। वेयर ईच डॉलर ऑफ न्यू मनी जनरेट्स एडिशनल स्पेंडिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहाँ पे आप 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को रिवॉर्ड दोगे, तो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने रिवॉर्ड से एक न्यू इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा और मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा। और एक साल के अरसा में 1,00,000 रुपये से जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहलाएगा? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का ये फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, 1/ रिजर्व रेशो। बस इसमें यही था, ये वाला पढ़ के आए हैं ब्लॉक वाला, इट्स इम्पॉर्टेंट। आप पढ़ो यार ऊंची आवाज में। कॉम्प्लेक्सिटीज, तो इसमें ये होता है जो फॉर्मूला है वो सिंपल आपने याद कर लेना है, इससे आपका मेन क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेन आंसर मिल जाएगा कि एक साल के अरसा में अगर 10% रिजर्व रेशो हो तो कितने पैसों को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में जाएंगे तो कभी भी हमें ये पता ही नहीं चलना कि एक नोट कितने हाथ बदलता है। ऐसा पता चल सकता है? नहीं ना पता चल सकता। आगे तो फिर क्या होता है, रियल लाइफ में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मुसीबतें होती हैं। पैसा लेना कहाँ से है, देना कब है, कितनी साथ पे देना है, इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, लोग वापस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बंदे पैसे लेके भाग तो नहीं जाएंगे। बैंक को ये सारी चीज़ें अपने माइंड में रखना पड़ती हैं। ये जो ऑपरेशंस ऊपर लिखे हैं ये इतने आसान नहीं है, ठीक है, कि बैंक ने लोन दिया और बैंक को वापस हो गया और इतने से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। तो बस ये किताबी बातें और आपने ऐसे ही याद रखनी है।
ये पेपर में नहीं आता है, जितना मैंने बुलेट पॉइंट और ये डब्बे में लिखा हुआ है ये वाला पेपर में नहीं आएगा, पेपर में सिर्फ रिजर्व रेशो का फॉर्मूला आएगा, आया भी था। उसके बाद आप पढ़िए, हाँ ना पढ़ो यार। मतलब क्या होता है, हमें पता है कि जो मल्टीप्लायर होता है उसमें जितने भी विड्रॉल होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है, ऐसा ही है ना। एक साल के जितनी इन्वेस्टमेंट की उनमें से सारे के सारे विड्रॉल्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि निकाल देंगे उसके अंदर से, तो हमें एक्चुअली पता चलेगा कि एक साल के अरसा में हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा आया। जैसे कि मिसाल लेते हैं, हमारे सामने कितने विड्रॉल होते हैं, कितने विड्रॉल होते हैं, तीन विड्रॉल होते हैं, MPM, MPT और MPS। ये इम्पोर्ट मल्टीप्लायर है, टैक्स मल्टीप्लायर और सेविंग है। इसके बाद जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाएंगे तो बैंक ने भी तो एक मल्टीप्लायर बना लिया ना, ठीक है, वो कौन सा था, रिजर्व रेशो। वो कौन सा है, रिजर्व रेशो। ये ऐसा पैसा है जो बैंक के पास पड़ा रहेगा, इसका हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकेंगे। मिसाल लेते हैं, 1,00,000 रुपया हमने कमाई की, उसमें से या हमने बैंक में जमा करवाया, कमाई की, कारोबार किया, कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की, उसमें से 10% बैंक ने अपने पास जमा रखना है। इसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, 90,000 की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। अगर हम 1,00,000 रुपये बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक 10% अपने पास रख रहा है, बाकी सारे पैसे वो आगे लोन के तौर पर दे रहा है। अब जब लोन के तौर पर दे रहा है 90,000 रुपया, तो उसमें से कुछ लोग हैं जो सेविंग भी करेंगे, ऐसा ही है ना, ठीक है, माइट बी 20% सेव कर लिया, उन्होंने 15% टैक्स पे कर दिया और तकरीबन 10% उन्होंने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पे खर्चा कर दिया। तो देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी में से ये चार चीज़ें निकल गई, ये चार चीज़ें निकल गई, विड्रॉल हो गए, और हमने जो 1,00,000 रुपया था जो बैंक में जमा करवा के आगे फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी थी, उसमें से एक्चुअली में हमारे पास क्या बचा, ये कितने परसेंट बनता है, 35, 45, 55%। 1,00,000 डिवाइडेड बाय 0.55, तो क्या आंसर आएगा, 1,81,818 रुपये की इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी 1,00,000 रुपये से, अगर उसके ऊपर ये सारे के सारे विड्रॉल लगा दिए जाएं। बात समझ में आ गई, ठीक है, बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। खान साहब आगे पढ़ें यार, अजम्पशंस पढ़ें। हाँ, मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम का मतलब ये है कि जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है सब में रिजर्व रेशियो सेम होनी चाहिए। समझ आ गई बात की, इंग्लिश इतनी घर जाके पढ़िएगा ही नहीं, बस इतना ही याद रखिएगा, ऑनलाइन वालों आप भी। आगे नंबर टू, लैंडिंग। तो हर बैंक का यही असूल होना चाहिए कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए और उस बैंक ने आगे क्या करना होगा, लोन देना होगा, क्या करना होगा, कोई बैंक ऐसा नहीं होना चाहिए जो सिर्फ पैसों को सेव करे और आपसे सालाना अपना गार्ड्स की और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के पैसे ले, ठीक है। उस बैंक का ये प्रॉपर मकसद होना चाहिए कि उसने अपने पास पैसे रखे, अब वो आगे लोन देगा। नंबर थ्री, मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन। मल्टीपल डिपॉजिट क्रिएशन का मतलब है बैंक एक साल के अरसा में 1 रुपये के नोट को 10 दफ़ा लोन देने की काबिलियत रखता है। देखो, मैंने बैंक से 1,00,000 रुपये का लोन लिया, मैंने 6 महीने बाद वापस कर दिया, तो बैंक पे ये लागू होता है कि वो 6 महीने बाद अगर एक और लोन वाला बंदा आया तो वो भी लोन दे दे। यार सर, अंदर अंदर होके बैठो ना, तुम लोग बाहर कॉर्नर पे बिल्कुल बैठे हुए हो, इतनी जगह ही है पीछे। दोबारा समझिए, मैंने बैंक से 1,00,000 का लोन लिया, 6 महीने बाद वापस कर दिया, अब 1,00,000 बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक उसे 1,00,000 को दोबारा लोन दे दे। ऐसे नहीं करना कि साल में सिर्फ एक ही दफ़ा लोन देना है, अगर उसके पास दोबारा डिमांड आएगी 1,00,000 की तो दोबारा लोन देता जाए। एक साल के अरसा में जितने बैंक के पास पैसे पड़े हैं, अगर वो 10 दफ़ा रोटेट हो सकते हैं तो 10 दफ़ा रोटेट कर लो, ठीक है। आगे, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन लैंडिंग का क्या मतलब है, जितना मर्जी लोन दो भाई, कोई 10 अरब का लोन मांग रहा है, अगर आपके पास बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ 10 अरब का लोन दे दो, बैंक के ऊपर इसकी कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए।
आगे नहीं, जितने बैंक के पास हैं, मेरा बैंक HBL है, ठीक है, मेरे पास टोटल 50 अरब पड़ा हुआ है, तो मैं 50 अरब की लोन दूंगा, 100 अरब कोई मांगेगा मेरे पास नहीं है, यही है ना। फिर उसके बाद है नो रिस्ट्रिक्ट, ओ सॉरी, नो चेंजेस इन रिजर्व रिक्वायरमेंट, तो बैंक मॉनेटरी और कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी नहीं लगाएगा ताकि रिजर्व रिक्वायरमेंट चेंज ना हो। रिजर्व रिक्वायरमेंट अगर 10-90 है तो 10-90 ही रहनी चाहिए, 10% रिजर्व, 90% लोन, 10% रिजर्व और 90% लोन, ठीक है। नो चेंजेस इन डिमांड फॉर मनी, पता नहीं, ये तो मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, अगर मॉनेटरी पॉलिसी आपकी ऐसी है तो कम कर लो, ये तो लोगों को देख के, इकोनॉमी के हालात को देख के पता चलता है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगानी है तो कम कर दो, कॉन्ट्रैक्शनरी लगानी है तो ज़्यादा कर दो, ये कोई रूल नहीं है ना, फिर टू है। नहीं, फिक्स डिपॉजिट और सेविंग वाली, और फिक्स डिपॉजिट, करंट वाली को हाथ भी नहीं लगाते बैंक, क्योंकि वो निकलवाने ही होते हैं ना लोगों ने। नो चेंज इन डिमांड फॉर मनी, 1 साल के अरसा में आप जितनी डिमांड फॉर मनी कर रहे हो उतनी रहनी चाहिए, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं होना चाहिए, ये अजम्पशन ही है ना, पॉसिबल नहीं होता। इस पे कुछ रूल अप्लाई होते हैं, कुछ रूल अप्लाई नहीं होते, बस वही ख़त्म हुआ हमारा चैप्टर। अजम्पशंस अजम्पशंस कोई नहीं आती पेपर में, अभी तक आई तो नहीं, आ जाए तो कोई पता नहीं है। इसमें से जो मेन आता है वो फार्मूला आता है, या वो क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर आता है, ये याद रखिएगा, या तो फार्मूला आएगा या क्रेडिट मनी मल्टीप्लायर आएगा। हमारा चैप्टर नंबर 10 भी ख़त्म हुआ। चलो यार, बातें नहीं करो ना यार, एक तो तुम लोग बातें कर देते हो। लेकिन कोटेशन पढ़ते हैं सबसे पहले, इस चैप्टर के शुरू में क्या लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन डज द सेम विद मनी एज द स्ट्रेस डज विद मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस क्या करती है, तबाही कर देती है, आपको दिमागी हालत कमज़ोर कर देती है। इन्फ्लेशन पैसे को ऐसा करती है, इन्फ्लेशन पैसे को तबाह कर देती है, उसकी दिमागी हालत कमज़ोर कर देती है, बाइंग कैपेसिटी कम कर देती है। जितनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी उतनी पैसे की वैल्यू कम होगी, उतनी बाइंग कैपेसिटी कम होगी। लें जी, इन्फ्लेशन के, अच्छा आप लोगों ने स्टैट्स में CPI पढ़ ली है, बस ये CPI ही है और कुछ भी नहीं है, ये सारे का सारा CPI है। इन्फ्लेशन क्या है, हाँ इन्फ्लेशन क्या होती है, जब महंगाई होती जाए हर साल, ये ना हो कि एक साल हुई अगले साल फिर कम हो गई, फिर हुई फिर कम हो गई, वो इन्फ्लेशन नहीं है। परसिस्टेंटली इंक्रीज होती रहे, कंटिन्यूस इंक्रीज आए, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्फ्लेशन। क्या कहेंगे, तो इसका एक आसान सा याद रखिएगा, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, लिख लो अगर लिखना है तो, टू मच मनी चेजेस TOO टू फ्यू गुड्स, TOO टू मच मनी, टू मच मनी चेजेस टू फ्यू गुड्स, टू फ्यू गुड्स। हम ये कैसे काउंट करते हैं, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, वो चीज़ क्या थी, जनरल प्राइस लेवल पढ़ाया था। क्या होता है जनरल प्राइस लेवल, 320 के करीब प्रोडक्ट होती हैं, उनका हम एवरेज प्राइस ले लेते हैं, ऐसा ही है। मिसाल लेते हैं, हमारा बेस ईयर है, बेस ईयर है 2010, 2010 में जो हमारे पास प्राइस था वो 700 था इस बास्केट का एवरेज प्राइस। आज क्या है, 2023, आज उसका प्राइस लेवल है 2100 रुपया। वो एवरेज होती है यार, उतर लिखिया भी हो यार, एवे लिखा है, आज कितना एवरेज प्राइस है 2100। हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है, तो पुरानी न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इनटू 100%।
तो भाई साहब 2100 माइनस 700 डिवाइडेड बाय 700। जीडीपी डिफ्लेटर का पता है ना, हाँ वो भी यही चीज़ होती है। कितना आएगा? 200%। इसका मतलब डबल प्राइस हो गई। कितनी हो गई? डबल या 200 आएगा, डबल प्राइस हो गई भाई साहब। 200% जो चीज 1 रुपए की थी अब वो कितने की मिलेगी? 3 रुपए की। 200% 2 times बढ़ गई। ठीक है, जो चीज 700 की थी अब 2100 की मिल रही है ना, 7 + 3 = 21। सही है, तो बस यही इन्फ्लेशन है, खत्म हुआ इन्फ्लेशन बस। ले जी, कोई पढ़ेगा इन्फ्लेशन? ये सारा पढ़ने वाला है, किससे कहानी है? आप पढ़ो, आप ओ एनु चाड़ी यार, लो इन्फ्लेशन। अगर तो इन्फ्लेशन रेट 1% और 3% के दरमियान होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? लो इन्फ्लेशन। आगे पढ़ो, मॉडरेट। यार जरा ऊंचा पढ़ ले पुत्र। तो भाई अगर हमारी इन्फ्लेशन 3% से 5% के दरमियान हुई, अभी कितने परसेंट है? 200%। ठीक है ना, अगर 3% से 5% के दरमियान हुई तो ये इस वजह से इन्फ्लेशन हो रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और ये अच्छी इन्फ्लेशन होती है। आगे और अगर इन्फ्लेशन 5% से ऊपर चली जाए, 7%, 8%, 9%, 10%, 15%, तो उसे हम क्या कहेंगे? हाई इन्फ्लेशन। और ये इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं होती, इसमें लोग गरीब होना शुरू हो जाते हैं। आप पढ़ो यार। जी जी हाँ जी, आप हाइपर इन्फ्लेशन। होर्डिंग, ज़खीरांदोज़ी। तो इसमें क्या होता है भाई, पाकिस्तान में यही हालात है, पाकिस्तान में इस टाइम हाइपर इन्फ्लेशन है। ठीक है, पाकिस्तान में तकरीबन इन्फ्लेशन इस टाइम 50% को क्रॉस कर चुकी हुई है, तो जिसकी वजह से लोगों का वैल्यू मनी के ऊपर, करेंसी के ऊपर, पाकिस्तानी रुपये उसके ऊपर ट्रस्ट ख़त्म हो गया। तो लोग अब क्या कर रहे हैं? ज़खीरांदोज़ी किसकी कर रहे हैं? गोल्ड की और उसकी, डॉलर की। ठीक है, बस यही, जिन जिन के पास पैसा है वो यही कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी तो ज़ीरो होती जा रही है, अल्लाह ना करे हो, बस बहरहाल ये हालात ख़राब ही हैं। तो देखो पेट्रोल बढ़ता है या कम होता है, सुना है? हाँ यही करते हैं, यही मनहूसत मारते हैं, तो कोई पता नहीं है, क्योंकि इकट्ठा बढ़ाते रहेंगे ना तो आवाम गुस्से में आएगी। 10 रुपये कम करके वाकई 20 रुपये बढ़ा देंगे, इकट्ठा 10 रुपये नहीं बढ़ाएंगे, अगर अभी 10 रुपये बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। स्ट्रेंज लें जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। तो CPI वही है जो मैंने आपको काफ़ी अर्से से पढ़ाया, आपने स्टैट्स में ही पढ़ा, यहाँ पे भी सेम वही है, डिटरमिन द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो अभी बताया मैंने आपको, ये सारा आपके पढ़ने वाला है। CPI कोई भी नहीं, दोनों सेम है, यही तो होता है जनरल प्राइस लेवल और CPI सेम होता है। ये सारा आपने खुद करना है, ये वाला फार्मूला मैंने अभी लिखवाया था, ठीक है ना? लें जी, फिर उसके बाद हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। पहली टाइप क्या है? बड़ी आसान है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? भाई डिमांड पुल इन्फ्लेशन तब होगी जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। करवाई थी ना उस दिन भी, ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड है और ये हमारे पास एग्रीगेट सप्लाई है। और ये अगर एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगा तो न्यू इक्विलिब्रियम फॉल करेगा यहाँ पे और प्राइस लेवल बढ़ जाएगा P1 और ये Q से Q1। हमारा GDP भी बढ़ेगा लेकिन प्राइस लेवल भी बढ़ेगा। ये वाली इन्फ्लेशन रिलेटिवली ठीक होती है, क्योंकि इंसान के पास कमाई ज़्यादा आ रही होती है ना। खुदा ना खासा पेट्रोल 1000 रुपये हो जाए और आप सबकी अभी मौजूदा बैठे बैठे इनकम लग जाए और 1 लाख रुपये हो जाए,
हर महीने पढ़ते भी रहो, साथ 1 लाख भी मिलेगा, पेट्रोल तंग करेगा आपको। आपके अब्बा की जो सैलरी जो भी है 5 लाख चली जाए, करेगा तंग? कोई ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, ऐसा ही है। एक आम इंसान महीने में तकरीबन 50 लीटर पेट्रोल लगाता है, आम इंसान 50 लीटर पेट्रोल, कितने का पेट्रोल होगा? 50,000 का, अगर 1,000 रुपये लीटर हुआ तो, ऐसा ही है ना। तो 50,000 का उसका पेट्रोल लगेगा, तो 5 लाख सैलरी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? 50,000 हर महीने बिजली का बिल भी आता रहे, लाख रुपये ग्रॉसरी और खाने पीने पर लगा दे, 50,000 आपको फ़ीस के लिए भेज दे, फ़र्क पड़ा? फिर भी उसकी बचत हो गई, सेविंग फिर भी कर लेगा। क्या? हाँ, 1,000 के साथ बहुत, इसी वजह से 1,00,000 रुपये की ग्रॉसरी लगाई है। अभी 1,00,000 रुपये की किसी की भी ग्रॉसरी नहीं आती होगी आप लोगों में से, बड़ा भी है 30,000 रुपये खा लेते होंगे ग्रॉसरी में। कभी हिसाब नहीं लगाया? तू करता भी तो नहीं है, हिसाब क्या लगाना तूने? अपने अब्बू से पूछी ना। ले जी, फिर उसके बाद है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये होगा ना, फिर जो खाने वाला तेल है वो 1,000-1,200 रुपये लीटर आएगा, चीनी हो जाएगी तकरीबन 500 रुपये किलो, ये आलू प्याज टमाटर जो हैं ये आप मंडी से जाके लेके आओगे तो 20,000 के आया करेंगे, ये हो जाएगा। तो वही एक्यूमुलेट करके 1,00,000 रुपये बनता है महीने का। ले जी, ये क्या चीज़ है? अल्लाह ना करे, मैं सिर्फ एक सिनेरियो बता रहा हूँ यार। लेकिन इसमें देखो, मैंने एक चीज़ भी तो रखी है ना, आपकी सैलरियाँ, आपके अब्बा की इनकम रखी है ना, तो ज़बरदस्त है फिर तो। अल्लाह ना करे ऐसा हो यार, क्योंकि हमारे यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं बेचारे जो आज भी 20-25-30,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। लें जी, ये हमारे पास है हमारा करंट GDP। हम क्या बात करने लगे हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कब होती है? जब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाए, लेबर की वेजेस बढ़ जाए, रॉ मटेरियल महंगा हो जाए, ठीक है, तो सप्लाई कम होगी, तो एग्रीगेट सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, ये कर गई, तो जिसकी वजह से हमारा प्राइस लेवल बढ़ जाएगा और हमारा GDP कम हो, ये नहीं होना चाहिए, ये ख़तरनाक होती है। हाँ, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में इस टाइम ये हो रहा है, जो मारामारी हो रही है ना वो इस वजह से है, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। इसकी टाइप्स ना पेपर में आती होती हैं। बिल्ट इन इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन अच्छी होती है। हर साल पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से डिमांड ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होने से इन्फ्लेशन होती है, तो ये ठीक है, ये कोई इतनी वो बात नहीं है। इससे सप्लायर भी मोटिवेट रहता है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन से सप्लायर भी मोटिवेट रहता है और अपने काम पे फोकस करता रहता है, क्योंकि सप्लायर लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहते हैं, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन को पढ़े यार, पढ़ो। तो मतलब क्या हुआ भाई, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या हुआ? आपने नई मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ गई, जो आप चीज़ें बनाते थे उनकी डिमांड ख़त्म हो गई, अब नई चीज़ों की डिमांड है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकती है। हम लोगों ने वो साइकिल पढ़ा, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस लाइफ साइकिल, डिप्रेशन ट्रफ, ये वाला सारा, उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन होती है, उसको भी स्ट्रक्चरल कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? दुनिया एक ग्लोबल बन गई ना विलेज, जब आप दूसरी दुनिया से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, आप एक कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तेल, उस कंट्री में तेल महंगा हो गया, आपको महंगा मिलेगा, आप पाकिस्तान लेके आओगे महंगा तेल आया, इन्फ्लेशन हो गई। समझ आ गई ना बात की? आगे इसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन की तरह समझा जाता है। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगेगी तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, उससे इन्फ्लेशन होती है। बट ठीक है, इसमें और क्या पढ़ना है, बस इतना ही याद रखिएगा।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन की समझ आ गई? ये खुद पढ़ लीजिएगा यार, मैं इसमें क्या पढ़ाऊँ, इस इतना तो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने इसको। इंक्रीज कंज्यूमर स्पेंडिंग, लो अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये देखो ये समझ आ रही है ना, बस यही है। कॉस्ट कुछ बढ़ती जाती है, वो नहीं कंट्रोल होती, उसकी वजह से वेज स्पायरल इन्फ्लेशन आ जाती है, वो क्या होती है पढ़ाता हूँ आगे। रेमेडीज डिमांड पुल इन्फ्लेशन जिसकी वजह से हो रही है, रेमेडीज में दो ही हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में, कौन कौन सी रेमेडी है भाई? डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लगा दो, लोगों के हाथों में पैसा कम कर दो तो लोग डिमांड कम करेंगे। टाइट फिस्कल पॉलिसी लगा दो, टैक्सेस बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ से पैसा कम हो जाएगा तो लोग डिमांड कम करेंगे। समझ आ गई बात? यही दो इसकी रेमेडीज हैं। तीसरी रेमेडी यहाँ पे लिखी हुई है, प्राइसेस एंड वेजेस कंट्रोल, लोगों की सैलरियाँ कम कर दो, ये करना नहीं चाहिए लेकिन बहरहाल लोगों की सैलरियाँ कम कर दो तो उनके हाथ में पैसा कम आएगा तो खर्चा कम करेंगे। एक्सचेंज रेट पॉलिसी, इसको स्किप कर दो, अभी चैप्टर 12 में पढ़ेंगे एक्सचेंज रेट पॉलिसी। जी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी आपको समझ आ गई है, इसको भी आप लोगों ने कल घर से कराना है, इसकी भी रेमेडीज वही हैं। एक्सचेंज रेट वाली पॉलिसी को आपने स्किप करना है। ऑनलाइन वालों ये सारा होमवर्क ही है, मैंने बारहा इसको मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ाया हुआ है इन चीज़ों को, आप लोगों ने आज घर पे जाके इसको पढ़ना है। आसान है, हाँ कुछ भी नहीं है। लें जी अब आते हैं वेज स्पायरल इन्फ्लेशन, खत्म हो जाएगा कल इंशाल्लाह। मैंने आपको पहले ही तो कहा था दो दो दिन के चैप्टर हैं, इसमें कहानियां ही, और कल भी कहानियां ही और कुछ नहीं है, कर दूं आज खत्म? नहीं यार, वो पढ़ के आओ आराम से यार, नहीं नहीं जल्दी नहीं करेंगे, आराम से करेंगे। चलो चलो यार, हाँ कल करेंगे आराम से। अच्छा जी, वेज स्पायरल इन्फ्लेशन क्या होती है, ये पेपर में आती होती है। महंगाई हुई, ठीक है, इन्फ्लेशन हुई, कोई भी डिमांड पुल हुई, कोई भी हुई, मैंने अपने बॉस को कहा मेरी सैलरी बढ़ाओ, गुजारा नहीं हो रहा। मजदूरों ने कहा वेजेस बढ़ाओ, भाई साहब पेट्रोल देखो कहाँ चला गया। अभी पाकिस्तान में वेज स्पायरल भी है, तो मेरे बॉस ने मेरी 5,000 इनकम बढ़ा दी। अब वो 5,000 किससे निकालेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेगा, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेगा तो अल्टीमेटली हमारी प्राइसेस को हाई करना पड़ेगा, तो उससे फर्दर इन्फ्लेशन होगी, इसे कहते हैं वेज स्पायरल। स्पायरल का मतलब गोल रिंग होता है, चक्कर, ठीक है, कि एक दफ़ा इन्फ्लेशन होती है वो फर्दर इन्फ्लेशन को वेलकम करती है। जब मजदूरों की तनख्वाह बढ़ेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्राइसेस बढ़ाना पड़ेंगी, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाई लेकिन प्राइसेस नहीं बढ़ाई तो सप्लाई कम होगी, और एग्रीगेट सप्लाई कब लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, तो जिसकी वजह से मार्केट में ऑटोमेटिकली शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान में इस टाइम कॉस्ट पुश और वेज स्पायरल दोनों हो रही हैं, और ये ख़त्म नहीं होंगी जल्दी, बहुत मुझे नहीं कंट्रोल होती जल्दी, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंजेक्शन करना पड़ती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ानी पड़ती है, सप्लाई साइड पॉलिसी कहते हैं उसको, मैसिव लेवल पे आपको फैक्ट्रीज लगाना पड़ती हैं। हाँ कैटेगरी उसी की है, नहीं हमारा इन्फ्लेशन वाला पोर्शन ख़त्म हुआ, कल अनएम्प्लॉयमेंट है और कल ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वालों इसमें मेरा पढ़ाना कम था, क्योंकि ये बातें मैंने बारहा आपसे बताई हुई थी, कही हुई थी, तो इस वजह से इसमें आपने होमवर्क ज़्यादा करना है, मैंने कम पढ़ाना है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए। तो फिर अपना ऑनलाइन वालों अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले जन्म में।